अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम गिलगित से आगे अब सोस्त जाएंगे, तो अभी हमारा सोस्त का सफ़र शुरू हो चुका है। गिलगित से हम निकले थे IS पर, लेकिन जब सोस्त के हमें आगे हमारे एक दोस्त है, हमारे भाई हमसे हमने जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा गाड़ी आपको इंतज़ार कर रही है, आप जितना जल्दी हो सके पहुँचे। तो हम हमजा में आए, पहुँचे अली आबाद में। अली आबाद से फिर हमने एक टैक्सी कराई, तो अभी हम जा रहे हैं सोस की तरफ। तो आपको साथ साथ जो मनाजिर हैं रास्ते में वो दिखाते जाएंगे। मेरे साथ मावेज भाई भी हैं, ये भी थोड़े से डिप्रेस हैं, इनका थोड़ा सा मसला है, दुआ किसी का हाल हो जाए। ऐसी बात है ना मावेज भाई? ऐसा ही है। तो हाँ, बस अभी आपकी दुआओं पर जा रहे हैं। तो अभी है कि क्योंकि हमारा इतना खर्चा होना नहीं था, बस वो रास्ते में दासू डैम की वजह से ना मसला बना। फिर आगे ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो यहाँ से बॉर्डर का भी मतलब कह रहे हैं कि 5-6 दिन बाद होना था, तो हमें इतना सफ़र का थोड़ा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ रहा। लेकिन फिर भी फ्लाइट से ये बहुत मज़े का सफ़र है, बहुत इंजॉय का सफ़र है। आपको बड़ा इंजॉय जो है ना जो आना जाता है चाइना में, वो मैं तो हम तो रिकमेंड करेंगे बाय रोड आए, क्योंकि इसमें जो हमने प्लान नहीं किया होता, बस यहाँ से निकलते हैं तो वो देखें सामने पहाड़ियों के ऊपर बादल, क्या खूबसूरत मंजर है यार कसम से। जहाज में आपको क्या मिलेगा, बस ऊपर बैठेंगे फिर नीचे उतर जाएंगे और क्या है, बस खिड़की से कभी किसी की खिड़की की सीट आती है, विंडो सीट किसी को नहीं मिलती। हमें देखे यार क्या इंजॉय का मौसम है कसम से। तो अभी जब सोस पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको सोस का मंजर भी दिखाएंगे, शायद नाम भी दिखा सकें क्योंकि जल्दी है, तो देखेंगे लगा करेगा वहाँ पर पहुँचे तो पता चलेगा। बाकी अभी रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह जो पहाड़ आते हैं, जो खूबसूरत मंजर आएगा, हम इंशाल्लाह इसके अंदर ना एडिट करते जाएंगे वीडियो के अंदर। प्यार करो किसी से, तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो, नहीं गिर तो भाई खुदा का नाम ले, अरे प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। एक पानी छोड़ दो सर। बात जी कौन सा टनल है आगे? अच्छा सही, भाई कह रहे हैं यहाँ पर वो क्या कहते हैं दरार भी होती है, तो इंशाल्लाह जो है ना रात का जो माहौल है जो यहाँ पर क्या क्या है, अगर सामने रास्ते में नजर आया तो हम दिखाएंगे। पहले तो आप बाहर जाकर ना, क्या खूबसूरत है, मैं तो खो गया हूँ। भाई ये टनल शुरू हो गया, ठीक हो गया, पाक चाइना ना फ्रेंडशिप टनल नंबर 1 जो हो गया था ना, रास्ता बंद हो गया था टनल। सही सही, भाई बाहर ठंड है, हम इधर से बनाएंगे। सबसे लंबा टनल है। सही, बहुत अच्छे। ये हो गया भैया अताबाद झील। अताबाद झील बड़ी है, झील है यार जी, मजा ही है यार। बोर्ड में उल्टी हाथ में कोई तो नजर आ रही है, छोटी बहुत सारे इधर भी है, चल देखते हैं दिखाते हैं बर्फ। इनको गिलगित का मौसम तो आप लोगों ने अंदाजा किया, ठीक है, फिर उनसे में आके आप महसूस हो गए कि गिलगित से बहुत फर्क है, मेरे को इस समय महसूस जाएंगे तो बहुत फर्क है। सही, अभी जहाँ से हमने यहाँ से जाने स्टार्ट किया ये उनसे हो गया अलियाबाद। अलियाबाद सही, ये गुजाल हो गया, गुजाल असल में हमें बस ने दलील कर दिया। बस कुछ नहीं होता ये सफर में, होता है कुछ ना कुछ नहीं यार, सर्विस की बात नहीं थी, अभी रोड खराब था यार, यार इतनी स्लो निकली। और गिलगित से गुजाल बड़ा है उसका, ये पहला काम है उससे, तो यहाँ ज्यादा टूरिज्म प्लेस है ना। हाँ ज्यादा, ये कह रहे यहाँ गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है, साफ सुथरी जगह। हमारा ये है ना कि इधर गुजाल में ये मार्च का महीना जो है ना, मतलब सारा घर में 10 बंदे हैं तो 10 के 10 निकलता सफाई के लिए। सही, सारा कचरा सारा चीजें उठाते हैं। सुनाओ फिर मजा आ रहा है वीडियो देखकर? मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना यूट्यूब चैनल पर।
अभी तो अभी जैसा कि हमने आपको इतना सारा माहौल बताया, कितना वीआईपी मंदिर था, आगे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह चाइना में जाके भी बहुत प्यारी प्यारी जगह है। वहाँ पर हमने सुना है कि चंगदू शहर बहुत वीआईपी शहर है, बहुत प्यारा शहर है, तो वहाँ पर भी कवरेज करेंगे इंशाल्लाह आपके सपोर्ट के साथ। सब मुनसर रह के आप किस तरह सपोर्ट करते हैं, बाकी अभी सोच पहुँचते हैं तो फिर उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं कहता हूँ जितना मर्जी दिखाऊँ ना उतना कम है, लेकिन फिर वीडियो भी कंजेस्टेड होती है, बनानी थोड़ी सी बनानी होती है। इंशाल्लाह जो है ना जब वीडियो बनेगी अपलोड होगी तो सोच पहुँच चुके हैं। अभी आगे इमिग्रेशन पॉइंट पे जाएंगे, नहीं पता वहाँ पर वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह है या कुछ इशू होते हैं उनके लिए अपने, तो आपको सोच दिखाते हैं जो इसका व्यू है। उसके बाद फिर अगर बना सके तो ठीक है, वरना फिर जो है ना वीडियो एंड कर देंगे इंशाल्लाह। 8,960 फीट की बुलंदी पे है समुंदर से, तो कराची वालों हम आपसे ऊपर है। ये है भाई सोस्त, ये सारा सोस्त का इलाका है। अभी इमिग्रेशन पॉइंट पे जा रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, दूर से तो आपको दिखाएंगे। सामने वाला है? नहीं नहीं आगे आगे है, अभी है थोड़ा रास्ता है पॉइंट। अच्छा, इसमें चेरी भी है, बहुत सारी चीजें हमारे उस इलाके में सारे यहीं से आते हैं। जी जी, यही सब कुछ ना कुछ तो रोजगार का जरिया है यहाँ। अभी मेरा अपना जो है ना कोई 600 दाना खाली चेरी है, सालाना में 8-9 लाख रुपए चेरी सवारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी खुबानी हो गया, बादाम हो गया, इन साल जबरदस्त। फिर उधर कोई शॉप खोले हमने ड्राइव कहाँ पे इस्लामाबाद। नहीं, मजा यही है कि लोग आ जाता है यहाँ से उठा लेता है, ये भी बेस्ट है ना, ये काम भी चलता है वो भी चलता है। इमिग्रेशन आ गया तेरी, आ गया पहुँच गया इमिग्रेशन पॉइंट पे भाई, तो अभी ज़्यादा दीजिए, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। हाफिज़।